हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूटीडी व्लॉग्स। मैं हूँ घुमक्कड़ प्रीति और कैमरे के पीछे है घुमक्कड़ कुंदन। तो आज हम लोग आए हुए हैं ढोकाने वाटरफॉल, जहाँ आने का मेरा बहुत टाइम से मन था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल में नहाने को, और इसकी डिटेल्स हम आपको बताते हैं पूरे व्लॉग में, लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आपको चाहिए तो वो मिल जाएगी, पकौड़ी चाहिए वो मिल जाएगी, और उसके साथ चाय मिल जाएगी। उसके बाद आप अपना बढ़िया से, और चाय भी ये लोग बहुत टेस्टी बनाते हैं। अल्मोड़ा से 18 किलोमीटर की दूरी पर आपको सुयालबारी गांव में ये मोड़ मिलेगा। यहाँ पे ढोकाने वाटरफॉल का बोर्ड लगा रहता है। यहाँ से अंदर 2 किलोमीटर तक आपको जाना पड़ेगा, जिसमें कि 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग है और 1 किलोमीटर आप कैब से जा सकते हैं। वाटरफॉल की पार्किंग और वो है हमारी कैंप साइट। तो पार्किंग काफ़ी बड़ी है, और फिर वहाँ से स्टार्ट हो जाती है आपकी ट्रैकिंग कैंप साइट तक। तो ट्रैकिंग में कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, तब जाके आप पहुँचेंगे अपनी कैंप साइट। नीचे जाते वक्त ट्रैकिंग काफ़ी इजी पड़ेगी, लेकिन ऊपर आते वक्त थोड़ी सी टफ है। तो ये है हमारी कैंप साइट, और यहाँ से आप देख सकते हैं वाटरफॉल का बहुत ही सुंदर व्यू आपको दिखता रहेगा। तो मैं वेट कर रही हूँ कि रात को वाटरफॉल कैसा दिखेगा। तो दोस्तों, ये है हमारा बहुत ही सुंदर कैंप है, और बहुत अच्छा पैकेज हमें मिला है। दोस्तों, जिस कैंप में हमने स्टे किया था वो दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से दो बंदों के लिए है, बाकी एक्स्ट्रा गद्दे रखे हुए हैं नीचे, अगर 2-3 बंदे आते हैं तो। चार्जिंग के लिए आपको मिल जाएगा वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट। और
1500 का हमें जो पूरा पैकेज है वन नाइट का हमें मिला था, जिसमें कि इंक्लूडेड था कैंप में स्टे इंक्लूडेड था और रात का डिनर, यहाँ पहुँचने के बाद स्नैक्स और सुबह का ब्रेकफास्ट। तो 1500 में बहुत ही अच्छा पैकेज ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था और यहाँ पे स्टे भी बहुत अच्छा रहा। सामने वाटरफॉल है जिसका अमेजिंग व्यू आप हमेशा अपने टेंट से देख सकते हो। तो लोकेशन को तो हम बहुत ही प्यारा लोकेशन था, क्या बोलते हो? लोकेशन काफी अच्छा है और आप भी ट्राई कीजिए। कैंपिंग के इच्छुक हैं और दोस्तों के साथ घूमना चाहते हैं, फैमिली के साथ भी घूमना चाहते हैं तो आप घूम सकते हैं। यहाँ पे एक दो होम स्टे भी हम देख पा रहे हैं, तो अगर आप लोगों को होम स्टे में रहना है, फैमिली के साथ आ रहे हैं या फिर कैंप साइट में रहना है, तो आप यहाँ आ सकते हैं और वाटरफॉल का भरपूर आनंद ले सकते हैं। कैंप में रहना एक्चुअली एक अलग एक्सपीरियंस है रादर देन वाटरफॉल वहाँ होम स्टे में रहने के, बट कैंप में आपको बहुत मजा आएगा और खाना भी यहाँ पे बहुत टेस्टी था। और सबसे बड़ी बात है ना, इनके प्राइजेस जो होते हैं वो सीजनल होते हैं, तो या तो आप कॉल करके, हम डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, आप कॉल करके प्राइजेस पता कर लीजिएगा। अदरवाइज 1500 अभी हम आए हुए हैं तो हमें जून के टाइम पे तो हमें 1500 में पर नाइट मिला हुआ है, जिसमें कि क्या इंक्लूडेड था हमने बता दिया। बाकी प्राइजेस सीजन के हिसाब से वेरी करते हैं, तो प्राइजेस का आप डिपेंड करेगा कि कौन सा सीजन है। तो शाम के टाइम, जैसे प्रीति ने ऑलरेडी बता दिया, शाम के टाइम आएंगे तो आपको स्नैक्स मिलेगा। स्नैक्स में मैगी अगर आपको चाहिए तो वो मिल जाएगी, पकौड़ी चाहिए वो मिल जाएगी और उसके साथ चाय मिल जाएगी। उसके बाद आप अपना बढ़िया से, और चाय भी ये लोग बहुत टेस्टी बनाते हैं, टेस्ट बनाते हैं, बढ़िया से अपना नहाइए, फिर आइए इवनिंग, रात का डिनर कीजिए, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कीजिए, मतलब हम लोग तो इतने नेचर के मजे लीजिए। यहाँ के वाटरफॉल के बगल में कैंप होने का सबसे बड़ा फायदा है, जाओ जब मन कर रहा है वाटरफॉल में जाओ, नहाओ फिर वापस आ जाओ, फिर जाओ फिर नहाओ। हमने तो 2-3 बार यहाँ पे नहाया, तो बड़ा मजा आया। देखा होगा कि हमारी शक्ल बिल्कुल चमकी हुई है क्योंकि यहाँ हम आएंगे तो 2-4 बार तो नहा ही लेंगे दोस्तों, और बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और तो, पानी बहुत साफ है। या तो हम अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको कोई भी इस कैंप साइट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे ले सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा इनसे टाइप करने की भी सोच रहे हैं। और क्योंकि बहुत बढ़िया लोकेशन है जागेश्वर से हमारे होम स्टे में रहने के बाद, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो ये तो आपके लिए मतलब बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाएगा। ऑफ बीट प्लेसेस है दोनों, हमारा होम स्टे भी ऑफ बीट प्लेस है और ये भी बहुत मतलब अलग ही जगह है ये, मतलब अल्मोड़ा में अगर आप आते हैं तो बहुत, यहाँ पे नहीं आए हैं तो मतलब आपने क्या देगा, ये तो बहुत ही ऑफबीट प्लेस है। क्योंकि हमारा जो हमारा एम है वो हम इस तरीके का आप लोगों के लिए पैकेज डिजाइन करें ताकि आप लोग उसमें टेंपल टूर भी कर पाएं, नेचर की ब्यूटी के भी मजे ले पाएं, वाटरफॉल भी देख पाएं और एक दो जैसे लकुड़ियार केव्स है और एक दो अच्छे अच्छे साइट्स है वो भी आप विजिट कर पाएं। और ये कैंपिंग तो आप करें, अगर आप चाहें तो आप लोगों को हम लोग जंगल कैंपिंग भी करा सकते हैं, जो कि जो कैंप होते हैं वो ये आर्मी कैंप जैसे सेटअप कर रखे हैं। तो मतलब अगर आप एक टोटल पैकेज बुक करवाते हैं तो उसमें हम आपको जागेश्वर धाम, अल्मोड़ा और नैनीताल, इस तरह का एक प्रॉपर पैकेज प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और कई कस्टमर्स का हमने किया भी है तो प्रॉपरली उसमें सारी एक्सक्लूसिव जो एक्सपीरियंस वाली जो चीजें हैं वो हम उसमें इंक्लूड करके आपको बजट फ्रेंडली पैकेज देंगे, जो बहुत ज्यादा भी नहीं होगा, बहुत कम भी नहीं होगा। और अगर आप कभी भी जागेश्वर धाम आते हैं तो होम स्टे तो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, और नियर बाय प्लेस भी अगर आप, कौन सा होम स्टे? UTT विलेज होम स्टे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं और होप आप लोग अपना प्यार हमें भरपूर दीजिए। और व्यूज थोड़े कम आ रहे हैं दोस्तों, थोड़े इनको बढ़ाइए यार, और मोटिवेशन मिलता है थोड़ा काम करने का। आजकल तो प्रीति सब कुछ एडिटिंग भी करने में लगी रहती है, और क्योंकि एक्चुअली काम ज्यादा बढ़ गया है, काम ज्यादा बढ़ गया है तो डिवाइड करना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।